अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जुमातुल मुबारक बबरकत दिन है और मैं घर पे आज अकेला हूँ, क्योंकि वैसे हम हैं ही तीन लोग घर पे, मैं, छोटा भाई और मामा। तो छोटा भाई तो वैसे स्कूल चला जाता रोज़ाना, तो मामा भी घर होते हैं मैं, तो आज जो है ना वो मामा भी घर नहीं है। वो ना मामा, दादी माँ, चाची, ताई, मतलब और भी काफ़ी, मतलब हमारी फैमिली के काफ़ी सारे लोग ना बाहर मिल गए हुए हैं लाहौर। वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनके पास गए, वहाँ कुछ छोटा सा फंक्शन था उधर। और साथ में जो है ना दादी माँ, वो कार्डिक पेशेंट हैं, उनका ना हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनका चेकअप भी करवाना था, क्योंकि हर साल करवाते हैं तो नवंबर में करवाते हैं, तो वो भी करवाना था और साथ में वो फंक्शन भी अटेंड करना था। तो आज सुबह सुबह जल्दी सुबह ही निकल गए हैं 7 बजे तकरीबन, तो अभी वो तो आएंगे रात को। तो अभी मैं बैठा हुआ था, बैठ के धूप में बैठा हुआ, सर्दी काफ़ी है। मूँगफली लेके आए थे, कुछ खाई थी, कुछ बच गई थी, तो अभी मैं धूप में बैठा हुआ हूँ और खा रहा हूँ अकेला, जो हूँ कोई काम नहीं है करने के लिए। अभी मैं अपने गांव के पोस्ट ऑफिस आया था, उनके PTCL का बिल जमा करवाने वाला था, वो जमा करवाया। चुकी थी कल से और वो भी लाने वाली थी, वो भी लेके आए हूँ अभी ये तोड़ा लेके आया हूँ 50 किलो का, और हमारा इसने साल निकाल दिया ना, वो इसलिए क्या दारी बात नहीं, यूज़ ही नहीं होती, तीन लोग हैं हम, कितनी कम यूज़ कर लेंगे। पहले भी लाई थी, साल से ऊपर गुजर गया था, अब फिर ये लाया है, अब साल फिर हमारा गुजर जाना आराम से। अभी नुमान और मैं रेडी हो चुके हैं और नहा धो के बिल्कुल शू लगा के, और अभी हम जाने लगे हैं जुमा पढ़ने। अभी मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ, तो मैं लेटा हुआ था धूप में, क्योंकि काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो ये गुजर रहा था अभी, जिसको हम बचपन में कहा करते थे सुई जहाज, जब भी हम गुजरता था हम कहते थे सुई जहाज जा रहा है। कल जैसे ही जुम्मा के लिए मैं शावर लिया, और उसके बाद इतनी सर्दी लगी है, इतनी शदीद सर्दी लगी है ना, और वो फिर रुकी नहीं है। जुम्मा पढ़ के आया हूँ और आते ही ना बुखार हो गया, तो ज़ुकाम बहुत साथ लगा हुआ था, फ्लू ने बहुत तंग किया हुआ था और बाहर भी हो गया साथ। फिर मैं बिस्तर लेके लेट गया हूँ, सो गया हूँ। उसके बाद मुझे इतनी शदीद सर्दी लग रही थी कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके ना बिस्तर से निकल के जाके मेडिसिन ले आऊँ। चाचू आए हैं, उन्होंने फिर वो पूछा मेडिसिन, मैंने कहा मुझे तो नहीं जाने होता, फिर वो खुद ही गए हैं डॉक्टर के पास, जाके उन्होंने मेडिसिन लेके आए हैं, वो ली है, और फिर मैं सोया ही ना हूँ। उससे एक बार पसीना आया रात को, आराम आ गया था। उसके बाद अभी सुबह जा कर जो है ना, मुझे सही से वो चाहिए, कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ अभी। इतना शदीद बुखार, ऐसा लग रहा था ना जिस्म से आग निकल रही है, बिस्तर भी सारा ऐसे गर्म हो चुका था। अल्लाह बचाए सबको, सर्दी जो है ना, नई नई सर्दी आई है, सबको पता नहीं एक बार तंग करेगी। नाश्ते में अंडा और चाय मिली है, तो ये खाने के बाद फिर तो दोबारा से मेडिसिन लेता हूँ। डॉक्टर अंकल ने ना ये बहुत ही ना कोई स्ट्रांग डोज दी है, रात को भी मैंने ये एक डोज ली थी, और लेते ही तकरीबन एक घंटे के अंदर ना मुझे आराम आ गया था, इतना शदीद पसीना आया था, इतना पसीना आया था, भीग गया था मैं फूल, और जैसे ही बुखार में पसीना आ गया आपको तो ठीक हो जाती है तबीयत आपकी, लेकिन फिर जो है ना वो रात को दोबारा से बुखार हो गया था। अभी सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया है और अभी फिर दोबारा से मैं लेने लगा हूँ, तो उम्मीद है कि अब ठीक हो ही जाएगा इससे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से जो है ना अभी तबीयत काफ़ी बेहतर है। सुबह से मैं कमरे में ही था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, तो अभी मैंने कहा थोड़ी देर बाहर निकलता हूँ, थोड़ी बाइक हवा लेता हूँ, बेटर फील होगा। और उसके अलावा तबीयत ठीक होती गई और प्लान बन गया जाना है खाला के पास, उन्होंने कार ली है तो उनको मुबारकबाद देने जाना है। नुमान फ़िलहाल गया हुआ है एकेडमी, तो वो उसको बोला है कि जल्दी छुट्टी ले आना, वो छुट्टी लेके जल्दी आ जाएगा, तो शाम से पहले निकलना है, शाम तक हम वहाँ पहुँचेंगे। नुमान के एकेडमी से आने का वेट करते करते ना काफ़ी लेट हो गया, तकरीबन 5 होने वाले हैं और 5:15 जो है ना वो मगरिब की जाने रहती हैं,
तो जाने का जो हमारा रास्ता है ना, वो भी 1 घंटे से कम का नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा का ही है। तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, हम जाते जाते 5 हो गए हैं, तो जल्दी भी पहुँचे तो 6 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे। और अभी भाई मैं देखता हूँ, नज़र आ रहा हूँ कि सूरज ग्रूब हो रहा है। अभी मिठाई लेने के लिए रुके थे हम रास्ते में एक बेकरी शॉप पे। ज़ाहिर है मुबारकबाद देने जा रहे हैं, तो मिठाई तो लाजमी बनती है ना। फिर अभी यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव बाकी है हमारी, और अभी फुल अंधेरा हो चुका है, फुल रात हो चुकी है। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 5 बजे वहाँ से निकले, और अभी 6:08 हो चुके थे जब हम यहाँ पहुँचे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। अभी लेट पहुँचे हैं हम यहाँ पे, और अभी आके हमने खाना शाना खाया, डिनर कर लिया सबने। और सिर्फ हम लोग ही नहीं थे आए, और भी एक खाला के पास हम आए हैं, और एक मेरे अम्मी और एक दूसरे खाला भी आए हुए थे, और मेरी कज़न जो हैं उनके पप्पो और चाचियाँ ताइयाँ वो सारे भी आए हुए थे। तो मतलब काफ़ी सारे गेस्ट इकट्ठे हो चुके थे, सबने खाना शाना खाया। जो भी चाची ताए थे मतलब घर के आस पास के गेस्ट थे वो चले गए, तो बाकी ये भी यहाँ पे ही हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी तबीयत भी ज़रा ओके नहीं है, तो मैं भी अभी कोशिश करूँगा कि नमाज़ वमाज़ पढ़ के जल्दी ही सो जाऊँ। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मुझे इजाज़त आज के लिए। तो मिलते हैं फिर आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।